मेडिकल कैंसर हॉस्पिटल को यंत्र सामग्री खरीदने के लिए 30 करोड़ का निधि मिला था। वह निधि वापस राज्य सरकार को लौटाया जा रहा है, जिसका विरोध करते हुए भाजपा द्वारा पत्र परिषद लेकर तीव्र आंदोलन का इशारा दिया गया। इस पत्र परिषद के पूर्व विधायक गिरीश व्यास, विधायक कृष्णा खोपड़े, पूर्व विधायक मिलिंद माने, विधायक विकास कुंभारे, संजय भेंडे व अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित थे। नागपुर मेडिकल कॉलेज के टीबी वार्ड परिसर में 4 करोड़ रुपए खर्च कर अत्याधुनिक कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का प्रावधान था, जिसके लिए 30 करोड़ रुपए का निधि मशीनरी खरीदी के लिए आया था। जो निधि अब राज्य सरकार वापस लौटाने की साजिश की जा रही है और जिसका विरोध पूरे भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, ऐसा पत्र परिषद के दौरान गिरीश व्यास द्वारा कहा गया। प्रयत्न करून आमदारांनी नागपूरच्या आणि विशेषतः भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व आमदारांनी प्रयत्न करून हे सगळं मंजूर करून आणलं। मग हे आघाडीचं सरकार एवढं उदासीन का? माननीय पालकमंत्र्यांचं लक्ष कुठे आहे? पालकमंत्री नागपूर शहराच्या विकासाच्या बाबतीत गंभीर आहेत की नाही हा प्रश्न आहे। त्यांना हे सगळे प्रस्ताव सुरू आहेत आणि या प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरी मिळून नकाशापर्यंत टेंडरपर्यंत पोहोचलं याची माहिती आहे की नाही? मग कशी हिंमत होते अधिकारी वर्गाची की हे जे 23 कोटी रुपये हे आम्ही त्या विभागाला परत करतो? म्हणजे हे जर परत गेले आणि या अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेमुळे जर परत गेले नाकर्तेपणामुळे, तर तुम्ही विचार करा की 23 कोटी रुपये मंजूर करायला किती मार्गामधून आणि किती फायनान्सिंग याच्यामधून ते सगळं जावं लागेल याची देखील कल्पना आपण केली पाहिजे। आयोजित पत्र परिषद में पूर्व विधायक गिरीश व्यास, विधायक कृष्णा खोपड़े, विधायक विकास कुंभारे, पूर्व विधायक मिलिंद माने सहित अन्य पदाधिकारी इस दौरान उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।